जब आप Drupal की वेबसाइट बनाते हैं तो पहली बार आपको इस पेज पर ले जाया जाता है। अभी तक हम समझ चुके हैं कि इंटरफेस में सभी एलिमेंट्स का क्या क्या नाम है और उनके क्या क्या पर्पस है। अब जब Drupal की वेबसाइट पर आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको यह मैसेज दिखाई देता है, वेलकम टू माई स्कूल। माई स्कूल हमारी वेबसाइट का नाम है। साथ में एक मैसेज आता है, नो फ्रंट पेज कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड येट, यानी कि अभी तक कोई भी फ्रंट पेज कंटेंट क्रिएट नहीं किया गया है। और साथ ही हमको कहा गया है कि एड न्यू कंटेंट, यानी कि एक कंटेंट क्रिएट कीजिए जिससे कि उसको फ्रंट पेज पर प्लेस किया जा सके। तो हमारा पहला काम है कि हम एक कंटेंट क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। वह कंटेंट हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे। फ्यूचर में हम सीखेंगे कैसे हम इमेज, वीडियोस और इस तरह के कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड न्यू कंटेंट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, जो काम आप यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक वही काम आप यहां से भी कर सकते हैं और वही काम इस शॉर्टकट बार में इस आइटम से भी कर सकते हैं। जब आप अपने Drupal की वेबसाइट पर एक फ्रंट पेज क्रिएट कर देंगे तो उस केस में ये लिंक हट जाएगा। तो आपको अभी से आदत बना लेनी चाहिए कि या तो आप इसका इस्तेमाल करें जो कि नेविगेशन ब्लॉक के अंदर है, या फिर आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप एडमिन हैं तो आपको हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह पट्टी आपके लिए ही स्पेशली बनाई गई है। तो हम एड न्यू कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह पेज आएगा। यह पेज ओवरले में आ रहा है। देखिए, पिछला पेज भी आपको दिखाई दे रहा है लेकिन पिछले पेज पे इस समय आप काम नहीं कर सकते और यह फ्रंट में आपके सामने यह ऑप्शंस खुल के आए हैं। तो हम ऐड कंटेंट पर क्लिक कर चुके हैं और हमारे सामने यह दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल, और इसके सामने लिखा है कि यूज आर्टिकल्स फॉर टाइम सेंसिटिव कंटेंट लाइक न्यूज, प्रेस रिलीज और ब्लॉग पोस्ट। यानी कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमको उस स्थिति में करना है जब हम टाइम सेंसिटिव कंटेंट बना रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है बेसिक पेज बनाने के लिए। बेसिक पेज के नीचे लिखा है यूज बेसिक पेजेस फॉर योर स्टैटिक कंटेंट सच एज एन अबाउट अस पेज। यानी कि आप अपने बेसिक पेज का इस्तेमाल उन कंटेंट को बनाने के लिए करें जो कि आपकी वेबसाइट में स्थिर रहने वाले हैं, जैसे कि अबाउट अस पेज। अगर स्कूल की बात करें तो फैसिलिटीज पेज हो सकता है या एडमिशन पेज हो सकता है। तो इस तरह के जब पेज बनाने की बात करते हैं तो हमें बेसिक पेज ऑप्शन को चुनना चाहिए। तो फिलहाल हम चुनते हैं बेसिक पेज के ऑप्शन को। क्लिक कर दीजिए इस बटन पर और आपके सामने यह एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज में एक फॉर्म है और इस फॉर्म को जैसे ही हम भर देंगे हमारा एक बेसिक पेज क्रिएट हो जाएगा। तो टाइटल मैंने दिया है इसको अबाउट अस, क्योंकि हम एक अबाउट अस पेज बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारे विजिटर्स हमारे स्कूल के बारे में जान सकें। तो अबाउट अस टाइटल लिखा, बॉडी में आप वह लिखेंगे जो आपके स्कूल के बारे में बताता है, लेकिन क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूं तो मैंने लिखा दिस इज एन अबाउट अस पेज। और इसी कंटेंट को कॉपी कर देता हूं, कुछ पैराग्राफ्स भी ऐड कर देते हैं जिससे कि हम पैराग्राफ देख सकें अपने पेजेस में। तो ये मैंने क्रिएट किया कंटेंट। तो यहां पर टाइटल लिखा, कंटेंट लिखा, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं। ये ऑप्शंस फिलहाल भूल जाइए क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। और सबसे नीचे आ जाइए, क्लिक कर दीजिए सेव पर। सेव पर क्लिक करने पर ओवरले विंडो चली गई और देखिए यह पेज आया हमारे सामने। यह वह कंटेंट है जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। अबाउट अस टाइटल था और यह था बॉडी। अगर आप चाहते हैं इस कंटेंट को दोबारा से चेंज करना तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं होम पर और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देखिए, प्रॉब्लम अभी भी वही की वही है। क्या लिखा है? नो फ्रंट पेज कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड येट, यानी कि अभी तक भी फ्रंट पेज कंटेंट क्रिएट नहीं किया गया है। तो फिर क्या किया गया है? अभी अभी तो हमने एक कंटेंट क्रिएट किया था, वो फ्रंट पेज पर क्यों नहीं आया? कुछ ना कुछ गलती की हमने, जरा देखते हैं। अब हमें क्या करना है? अभी अभी जो हमने कंटेंट क्रिएट किया था, यानी कि एक अबाउट अस पेज जो हमने क्रिएट किया था, वो अब हमको ढूंढना है। क्योंकि आपके पास देखिए कोई भी लिंक नहीं है, आप कैसे जाएंगे उस पेज तक? तो जब आप कंटेंट को ढूंढना चाहते हैं तो यह भी एक बहुत ही कॉमन काम है और Drupal कम्युनिटी ने आपको बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट बार में फाइंड कंटेंट नाम से ऑप्शन दिया हुआ है। फाइंड कंटेंट पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वह सभी कंटेंट खुलकर आ जाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट में बनाए जा चुके हैं। तो यहां पर देखिए अबाउट अस पेज दिख रहा है। इस पेज को आप यहां से एडिट कर सकते हैं। एक बार एडिट पर जाइए और देखिए क्या गलती हुई हमसे। हमने टाइटल लिखा था और बॉडी लिखी थी,
अपने आप में एकदम सही चीज है ये। इसके नीचे सबसे नीचे आ जाइए पब्लिशिंग ऑप्शंस पर और यहां पर देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहां पर तीन ऑप्शंस हैं। पहला है पब्लिश्ड, तो जब ये चेक है तो ये कंटेंट पब्लिश हो जाएगा, यानी कि हमारी वेबसाइट पर दूसरे लोग भी इस कंटेंट को देख सकते हैं। अगर ये अनपब्लिश करते हैं, आप इसे अनचेक करते हैं, तो ये कंटेंट क्रिएट तो होगा लेकिन सेव रहेगा, सिर्फ आप ही इसको देख सकते हैं, बाकी कोई भी आपकी वेबसाइट पर इस कंटेंट को नहीं देख सकता। तो हमने कहा पब्लिश रखना है इसको। और दूसरा ऑप्शन है प्रमोटेड टू फ्रंट पेज, क्या आप इस कंटेंट को फ्रंट पेज पर दिखाना चाहते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इस पर कर दीजिए चेक, अगर नहीं दिखाना चाहते तो इसे रहने दीजिए अनचेक। तो पिछली बार हमने इसको चेक नहीं किया था और क्योंकि हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए अबाउट अस पेज फ्रंट पेज पर नहीं आया और इसलिए हमको एरर मैसेज क्या दिख रहा था, नो फ्रंट पेज कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड येट। तो अब हम इसको चेक कर देते हैं और बाकी ऑप्शंस को भूलते हैं, सेव कर दीजिए तो आपको इस विंडो पर ले जाया जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां लिखा आ रहा है अपडेटेड, ये अभी अभी अपडेट किया गया है। इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, आपकी वेबसाइट रिफ्रेश होगी और अब देखिए हम होम पेज पर ही है लेकिन अब हमारे सामने वह मैसेज नहीं आ रहा। अब क्या आ रहा है, अबाउट अस पेज आ रहा है और उस पेज पर जो कंटेंट लिखा था वह आ रहा है। और अब कोई भी पर्सन जो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा अबाउट अस पर क्लिक करके अबाउट अस पेज पर जा सकता है। अब आपको भी फाइंड कंटेंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप भी इस पेज को यहीं से एडिट कर सकते हैं। होम पेज पर जाएंगे, अबाउट अस पेज फ्रंट पर प्रमोट किया गया है, क्लिक किया इस पर और अब हम इस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि आप एडमिन हैं इसलिए आप इस कंटेंट को यहां से भी एडिट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहां से एडिट आप इस कंटेंट को कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक कर दीजिए, फिर से वही विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आप समझ गए कि फ्रंट पेज पर कंटेंट कैसे बनाया जाता है। आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करें, जैसे कि अभी तो हमने बेसिक पेज किया, आप चाहें तो आर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के कंटेंट को क्रिएट करें, अगर आप उसमें प्रमोटेड टू फ्रंट पेज का ऑप्शन को चेक कर देंगे तो वह कंटेंट फ्रंट पेज पर भी दिखाई देने लगेगा। और देखिए फ्रंट पेज पर किस तरह से दिखाई दे रहा है, टाइटल लिखा है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहां पर पूरी बॉडी नहीं है, थोड़ी सी बॉडी आ रही है और साथ में रीड मोर का ऑप्शन है। कोई भी पर्सन इस पर क्लिक करके भी पूरे पेज पर जा सकता है और रीड मोर बटन पर क्लिक करके भी पूरे पेज पर जा सकता है। अब हमारा अगला काम यह है कि हम इस कंटेंट को यहां पर दिखाना चाहते हैं। ये क्या है, प्राइमरी मेन्यू, ये तो आप समझ ही चुके थे पिछले वीडियो से। तो होम बटन है, साथ में अबाउट अस नाम का एक मेन्यू मैं यहां पर रखना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे वह काम, बहुत ही आसान है। इस कंटेंट को ही क्लिक कीजिए या इसको एडिट कर दीजिए, तो हम डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। यहां से एडिट किया हमने इस कंटेंट को, कंटेंट को एडिट करते हैं और सबसे नीचे जाइए, यहां पर देखिए मेन्यू सेटिंग्स है। मेन्यू सेटिंग्स में एक लिंक है प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक, लेकिन हमने पिछली बार इस ऑप्शन को चेक नहीं किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक मेन्यू लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जो कि हमने गलती की थी। हमको तो अबाउट अस पेज को प्राइमरी मेन्यू में रखना है, तो हमने किया प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक और मेन्यू लिंक टाइटल आपसे पूछा गया है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके कंटेंट का टाइटल है अबाउट अस वही आ जाता है मेन्यू लिंक टाइटल में भी, तो एकदम सही है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दीजिए, मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन में वांट टू नो अबाउट माय स्कूल क्लिक हियर, ये दिखाई देगा जब भी मेन्यू पर माउस को ले जाया जाएगा। अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। पेरेंट आइटम पूछा गया है, यहां पर एक ही ऑप्शन है मेन मेन्यू, तो मेन मेन्यू में ही हम अबाउट अस को रखना चाहते हैं। वेट फिलहाल भूल जाइए, वेट क्या है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। सेव कर दीजिए और अब देखिए, तो आपने देखा कि अबाउट अस नाम का मेन्यू आइटम यहां पर आने लगा, जो कि प्राइमरी मेन्यू में ऐड हो गया है। इस प्राइमरी मेन्यू को ही मेन मेन्यू भी कहते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन में मेन मेन्यू वहां पर चुना था। और यहां देखिए, जो हमने अबाउट अस मेन्यू के डिस्क्रिप्शन में लिखा था वॉन्ट टू नो अबाउट माई स्कूल क्लिक हियर, ये यहां पर होवर करने पर आ रहा है और जैसे ही हम इससे माउस को हटा रहे हैं वह मैसेज भी गायब हो जा रहा है। तो इस तरह से अब आप किसी भी पेज का लिंक प्राइमरी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो मेन्यू में तो ऐड हो गया, लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती है, ये अबाउट अस होम के पहले आ रहा है, जबकि कायदे से
होम पहले आना चाहिए और अबाउट अस बाद में आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अब हम दोबारा से इस कंटेंट को एडिट करेंगे। एडिट किया, जाइए मेन्यू सेटिंग्स में और यहां पर देखिए मैंने वेट छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर में बताऊंगा और अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये वेट एक्चुअली डिनोट करता है कि आप ये जो आइटम बना रहे हैं, अबाउट अस मेन्यू आइटम जो आप बना रहे हैं, ये किस पोजिशन पर प्लेस होगा। देखिए वेट इसमें कितना है, माइनस से स्टार्ट हुआ है और प्लस 50 पर खत्म हुआ है। तो जिन मेन्यू आइटम्स का वेट कम होता है उनको पहले प्लेस किया जाता है और जिनका वेट ज्यादा होता है उनको बाद में प्लेस किया जाता है। तो फिलहाल हमारे इस आइटम का वेट कितना है, जीरो। अब हम इसको बढ़ा देते हैं, वन कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके वेट को वन किया और सेव किया तो अब ये वेट ज्यादा हो गया। तो देखिए अब होम पहले आ जाएगा और अबाउट अस बाद में। तो इस तरह से हम अपने कंटेंट को फ्रंट पेज पर भी प्रमोट कर पाए और साथ ही उसके लिए एक मेन्यू लिंक भी प्रोवाइड कर पाए। तो अब अगर कोई पर्सन होम से देखेगा तो उसको यहां पर ये छोटे फॉर्मेट में दिखाई देगा और अगर कोई अबाउट अस पर जाना चाहता है तो डायरेक्ट यहां से जा सकता है। तो अभी हम इतना काम तो कर चुके हैं कि हमारा पेज फ्रंट पेज पर भी दिख रहा है और मेन्यू आइटम में भी दिख रहा है। लेकिन एक बार जरा ऊपर निगाह दौड़ाइए, यहां पर क्या लिखा है, node/1। ये क्या है, ये node/1 एक्चुअली Drupal के द्वारा प्रदान किया गया डिफॉल्ट पाथ है। हमने अभी पहला कंटेंट बनाया तो उसको नाम मिला है node/1, दूसरा कंटेंट बनाएंगे तो उसको नाम मिलेगा node/2, तीसरा बनाएंगे तो उसको नाम मिलेगा node/3। लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? अगर आपका पेज अबाउट अस है तो ऑब्वियस है कि आपकी वेबसाइट जो कि ये है localhost/first, इसके आगे अबाउट अस लिख दिया जाए और इस पेज पर चला जाए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अब उसके बारे में सीखेंगे। वह काम भी आप इस कंटेंट को एडिट करके कर सकते हैं। एडिट किया हमने कंटेंट को और सबसे नीचे चले जाइए, देखिए आप मेन्यू सेटिंग्स के बारे में सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं URL पाथ सेटिंग्स। आप जानते ही हैं कि ये जो आपको पाथ दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, URL कहते हैं। तो URL पाथ सेटिंग्स में URL alias के बारे में पूछा जा रहा है। alias को बोलते हैं उपनाम या फिर दूसरा नाम। तो आपके कंटेंट का फिलहाल नाम है node/1, लेकिन ये तो अच्छा नाम नहीं है तो इसको कुछ और नाम देते हैं। तो मैंने इसको नाम दिया अबाउट अस और सेव कर दीजिए। देखते हैं सेव करने से क्या होता है। देखिए पहले यहां पर आ रहा था node/1, लेकिन अब क्या आ रहा है, अबाउट अस, जो कि आपने URL alias दिया है। होम पर जाते हैं, इस तरह से दिख रहा है। अब आप अगर अबाउट अस पे जाएंगे तो यहां पर पाथ क्या लिखा आएगा, अबाउट अस, जो कि आपने URL alias दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट Drupal ने प्रोवाइड किया था वो खत्म हो गया, वो अभी भी है। और node/1 लिखने पर भी आप अबाउट अस पर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको छुपा दिया गया है और इस नए alias के साथ में इस पेज को लोड किया जाता है, जो कि काफी ऑब्वियस है। अगर कोई पर्सन आपके वेबसाइट के अबाउट अस पेज पर जाना चाहता है तो आपकी वेबसाइट का नाम /aboutus लिखकर भी इस पेज पर जा सकता है। तो यह पहले से ज्यादा बेटर है। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस को जो कि हमने छोड़ दिए हैं। तो जब हम इस कंटेंट को एडिट करते हैं तो यहां पर नीचे मेन्यू सेटिंग्स, ये आप पूरा समझ चुके हैं। रिवीजन इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए कई बार आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसके आप प्रीवियस रिविजन्स को रखना चाहें, बचाकर रखना चाहें। जैसे कि अगर आप एक बुक लिखते हैं तो बुक लिखने पर आपने किसी समय पर एक पेज पर कुछ कंटेंट लिखा, फ्यूचर में आप उस कंटेंट में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव करेंगे और बदलाव करने के बाद अगर आप सेव कर देंगे तो उन कंटेंट का जो पिछला वाला वर्जन था वो खो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पिछला वाला वर्जन भी रहे और नया वर्जन भी आप हर समय एक्सेस कर सकें, तो इसके लिए आप क्रिएट न्यू रिविजन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन फिलहाल अबाउट अस पेज के लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं, हम किसी और कंटेंट में इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। URL पाथ सेटिंग आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कमेंट सेटिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस पेज पर यूजर्स कमेंट कर पाए तो उस केस में कमेंट को कर दीजिए ओपन। अगर आप कमेंट को ओपन करते हैं तो यूजर्स कमेंट पोस्ट कर पाएंगे, नहीं तो क्लोज रखने पर
यूजर्स कमेंट को पोस्ट नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली कमेंट का जो बॉक्स है वह आपके कंटेंट के नीचे नहीं दिखाई देगा। हम लोग इसके साथ भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो हमने इसको किया ओपन, ऑथरिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहां पर लिखा है ऑथर्ड बाय, अगर आप इसको ब्लैंक कर देते हैं तो यहां पर आएगा एनोनिमस, लेकिन क्योंकि ये तो आपने लिखा है तो आप लिखिए एडमिन, और क्योंकि आप एडमिन हैं तो अगर आपकी वेबसाइट के कुछ और यूजर्स भी हैं तो आप किसी के भी नाम से यह कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर्ड ऑन, बाय डिफॉल्ट यहां पर वह डेट आती है जिस समय पर यह कंटेंट पहली बार क्रिएट किया गया था, लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देंगे किसी भी समय पर तो फिर यहां पर इस समय की डेट आएगी जब आप इस फॉर्म को सेव करेंगे। और अब जाते हैं पब्लिशिंग ऑप्शंस में। तो पब्लिशिंग ऑप्शंस में आप यह दो चीज तो समझ गए थे, इसके बारे में हम कुछ समय बाद बात करेंगे। एक बार मैं आपको प्रीव्यू के बारे में भी बता देता हूं। प्रीव्यू कीजिए आप इस कंटेंट को, इस बार हम डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे, प्रीव्यू करते हैं। तो आप देखेंगे प्रीव्यू करने पर आपको दो वर्जन दिखाई देंगे, एक है ट्रिम्ड वर्जन। ये ट्रिम्ड वर्जन वो वर्जन होता है जो कि आपको फ्रंट पेज पर दिखाई देता है, और यह है फुल वर्जन जो कि आपको रियल पेज पर दिखाई देता है। अगर आप दोनों ही वर्जन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर बदलाव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूं सेव। सेव करने पर हमारे यह कंटेंट में जो भी बदलाव किए गए हैं वो सेव हो जाएंगे। तो हमने फिलहाल क्या बदलाव किया है, हमने कमेंट के ऑप्शन को ओपन किया है। तो देखते हैं क्या अब हम इस कंटेंट पर कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। जी हां, देखिए अब इस कंटेंट के नीचे कमेंट का बॉक्स आ रहा है जहां पर कोई पर्सन सब्जेक्ट ऐड कर सकता है और कमेंट को पोस्ट कर सकता है। तो एक बार हम एक ट्रायल कमेंट डालकर देखते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट कमेंट ऑन दिस वेबसाइट। सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, वैसे सब्जेक्ट ऑप्शनल है, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा फर्स्ट कमेंट। प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कमेंट पब्लिश होने के बाद कैसा दिखाई देगा तो देखिए प्रीव्यू इस तरह से दिख रहा है, तो ऐसा दिखाई देगा पब्लिश होने के बाद। और अब आप अपने इस कमेंट को सेव कर सकते हैं, तो यह कमेंट आपके इस कंटेंट पर पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहां पर आपका नाम आ रहा है, समय आ रहा है जिस समय पर यह कमेंट पोस्ट किया गया, और यह कमेंट है। अगर आप चाहें तो इस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और चाहे तो इस कमेंट पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो यह तो हुआ कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट में स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अबाउट अस पेज बनाया, ठीक वैसे ही हम फैसिलिटीज पेज बना सकते हैं, ठीक वैसे ही हम एडमिशन पेज बना सकते हैं। तो एक बार एक नया पेज बनाते हैं। तो नया पेज बनाने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहां से ऐड कंटेंट पर क्लिक कीजिए या फिर यहां से ऐड कंटेंट पर क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया ऐड कंटेंट पर, यह पेज हमारे सामने आया। हम एक स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं इसलिए हम चुनेंगे बेसिक पेज को। यहां पर लिखा हमने फैसिलिटीज, जो भी हमारा स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम इस पेज में बताना चाहते हैं। तो हमने टाइटल लिखा फैसिलिटीज और यहां पर लिख दिया दिस इज फैसिलिटीज पेज। तो इस तरह से मैंने एक पेज बनाया, और इस बार हम सभी ऑप्शंस को यहीं से चुन लेते हैं। तो अब हमको डिसीजन लेना है, क्या हम इस फैसिलिटी पेज को मेन्यू में प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेरा आंसर है हाँ। नाम लिखा फैसिलिटीज, डिस्क्रिप्शन में इस बार खाली छोड़ देता हूं। कहां पर पब्लिश करना चाहता हूं, पेरेंट आइटम में, और होम और अबाउट अस के बाद में पब्लिश करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इसका वेट चुना 2। रिवीजन इंफॉर्मेशन, जरूरत नहीं है रिवीजन क्रिएट करने की। यूआरएल एलियास, यस जरूरत है, मैंने लिखा फैसिलिटीज। कमेंट सेटिंग्स क्लोज रहनी चाहिए। ऑथरिंग इंफॉर्मेशन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिशिंग ऑप्शंस, पब्लिश करेंगे और प्रमोट कर देंगे फ्रंट पेज पर, ये दो ऑप्शंस मैंने चुने। सेव कर दिया। तो देखिए हम एक ही बार में सभी काम कर चुके हैं। पहली बार में मैंने आपको सिखाने के लिए कई बार एडिट किया एक ही कंटेंट को, लेकिन कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो जो भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे कि मेन्यू का लिंक प्रोवाइड करना, ऑथरिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज करना, कमेंट की सेटिंग्स को फ्रंट पेज पर प्रमोट करना, पब्लिश या अनपब्लिश करना, ये सभी काम आप एक ही बार में कर सकते हैं। तो इस तरह से फैसिलिटीज पेज क्रिएट हो चुका है, और अब कोई भी पर्सन फैसिलिटीज पेज पर डायरेक्ट जा सकता है यहां फैसिलिटीज पर क्लिक करके। तो यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप होम पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि फैसिलिटीज हमने बनाया बाद में और अबाउट अस बनाया पहले।
तो अबाउट अस जो भी पहले बनाया गया था वो नीचे चला गया और फैसिलिटीज पेज बाद में आ गया। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आप आगे भविष्य में जो भी कंटेंट पब्लिश करते जाएंगे और अगर उसको प्रमोट करेंगे फ्रंट पेज पर, तो वह कंटेंट ऊपर आता जाएगा और इस कंटेंट को नीचे भेजता जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अबाउट अस पेज हमेशा ही यहां पर रहे, पहली पोजिशन पर। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, उसके लिए अगेन आपको इस कंटेंट को एडिट करना होगा। एडिट किया, सबसे नीचे चले जाइए पब्लिशिंग ऑप्शंस में और यहां पर देखिए पब्लिश हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रमोट कर चुके हैं फ्रंट पेज पर। एक और ऑप्शन है स्टिकी एट टॉप ऑफ लिस्ट, इसका मतलब हुआ कि लिस्ट के टॉप पर चिपका कर रखना है। हमने कहा हां, सेव कर दिया इसको। अब आप देखिए फ्रंट पेज पर जब आप जाएंगे तो अबाउट अस पेज आपको हमेशा फ्रंट पेज पर पहले पोजीशन पर ही मिलेगा। अब भले ही आप कितना ही कंटेंट क्यों ना पब्लिश कर दें, वह कंटेंट अब अबाउट अस के बाद में ही पब्लिश होगा। फैसिलिटीज पेज नीचे चलता जाएगा, उसके ऊपर नया कंटेंट आता जाएगा, लेकिन अबाउट अस पेज अब एकदम फिक्स हो गया, वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो एक नए कंटेंट को ऐड करने के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे चुका हूं। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस कंटेंट को और भी अच्छा बना सकते हैं HTML की सहायता से।